हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मोइन। तो अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 3 और उसका इंट्रोडक्शन और कुछ उदाहरण पढ़ने वाले हैं। तो देखना है क्या लिखा हुआ है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, मतलब दो चर वाले चर कौन से होते हैं, जैसे कि x है या फिर y है। रेखिक समीकरण मतलब क्या होता है, रेखिक का मतलब होता है उस पर एक घात होगी ही होगी। अगर अपन ऐसे समीकरण लिखते हैं तो इस पर कुछ घात नहीं है, तो ये क्या माना जाता है कि इस पर एक घात है, और ये कौन सा समीकरण कहलाता है, रेखिक समीकरण कहलाता है। और बहुपद मतलब कि उस पर दो घात होती है, और त्रिपद मतलब होता है कि उस पर तीन घात होती है। ऐसी बहुत सारी घातें जुड़ती चली जाती हैं। अब इस अध्याय के अंदर इंट्रोडक्शन अपन ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं, और जो इंट्रोडक्शन इसका जो है वही इस अध्याय का मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसका यहां पर इंट्रोडक्शन समझ जाते हैं, प्रस्तावना समझ जाते हैं, जो मैं भूमिका बता रहा हूं आपको, तो आप क्या करेंगे, आप पूरा चैप्टर जो आराम से समझ सकते हैं। अगर आपने ये नहीं समझा तो फिर आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपनी जो यहां पर जो उदाहरण है इसको नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा लंबा उदाहरण है, ठीक है। तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी बात कि रेखीय जो रेखिक समीकरण युग्म है उसका ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है। देखिए इसके अंदर तीसरे अध्याय के अंदर आपको दो प्रकार के सवाल मिलने वाले हैं, एक मिलेंगे आपको ग्राफीय विधि से और एक मिलेंगे आपको प्रतिस्थापन विलोपन वज्रगुण विधि। तो इस टाइप के ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको यहां से प्रतिस्थापन और विलोपन इंपॉर्टेंट सवाल है, और कुछ यहां से आपके जो आपके ग्राफ्स वाले सवाल है, ग्राफीय विधि से जो सवाल है, जैसे कि एक अद्वितीय हल, ठीक है, एक कोई हल नहीं और एक अनेक हल, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसमें से पूछे जाते हैं। तो चलिए यहां पर आपको कॉन्सेप्ट में समझाता हूं कि चीजें क्या होती हैं और किसको क्या बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर पढ़िए कि रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रेखिक समीकरण युग्म असंगत युग्म कहलाता है, ठीक है। क्या होता है कि उसका क्या नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कौन सा युग्म कहलाता है, असंगत कहलाता है। आपको याद रखना है उसका कोई हल नहीं होता है। आगे चलते हैं, और दूसरा आता है कि एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, जिसका हल होगा उसे क्या कहेंगे अपन, संगत कहेंगे, संगत युग्म कहलाता है वो, ठीक है। तीसरी कंडीशन यहां पर आती है कि तुल्य रेखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल मतलब कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है अनेक हल कहलाता है, ठीक। आगे आता है कि इस युग्म के दो चर के रेखिक समीकरणों को रेखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, डिपेंडेंट युग्म कहलाता है, डिपेंडेंट पेयर्स कहलाता है। तो और ये जो रेखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। आपको याद रखना है कि सिर्फ एक ही असंगत होता है, जिसमें कौन होता है, जिसमें कोई हल नहीं है, ठीक है। याद रखना, जिसका कोई हल नहीं है उसी सिर्फ अपन क्या कहेंगे, असंगत बोलेंगे, ठीक है, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। बाकी आपके जो समीकरण होंगे वो भी संगत होगा और उसके बाद का भी संगत होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और डिपेंडेंट वाला जो आश्रित है ना, वो भी आपका युग्म संगत होगा। आपको सिर्फ एक याद रखना है कि असंगत कौन होगा, जिसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे यहां पर बढ़ते हैं। सारांश दिया हुआ है, ठीक है, सारांश है, ये ही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब पढ़ते हैं पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या लिखा है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, अविरोधी समीकरण युग्म, ठीक। मतलब कि जो एक बिंदु होगा और एक रेखा यहां से जाएगी और दूसरी रेखा यहां से जाएगी और उसको इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देती है, तो उसका जो हल होता है वो अद्वितीय होता है, और अद्वितीय हल का समीकरण होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ये होता है आपका अद्वितीय हल का यहां पर समीकरण, ठीक है। अगले पे चलते हैं, सेकंड नंबर पर, कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता, समीकरण का क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ये क्या होती है, समांतर होती है, समांतर होती है, तो मतलब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, ये क्या होता है आपका, असंगत समीकरण होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। आगे आते हैं, तीसरी बात करते हैं, तीसरे समीकरण की यहां पर, कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं, रेखाएं क्या हो सकती हैं, संपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल का समीकरण का सूत्र क्या होता है, अनेक हल का फॉर्मूला होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब
अब आते हैं आपके यहां पर कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। प्रतिच्छेद का आपको फॉर्मूला मिल गया, संपाती का मिल गया और यहां पर समांतर का मिल गया आपको। अब आगे चलते हैं, यहां पर इसके चार्ट के माध्यम से यहां पर जो बुक वाला है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि चार्ट के माध्यम से कि कौन सा जो समीकरण होता है वो प्रतिच्छेद का होता है और कौन सा संपाती का होता है। ठीक, क्लियर। चलिए तो यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर दिया हुआ है एक आपको समीकरण, ये मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा, आपको समझना है इतनी सी थोड़ी सी पहले बात। ठीक है, एक ये समझना है आपको, दूसरा समझना है आपको ये वाली बात। ठीक, और तीसरी आपको क्या समझना है, यहां पर तीसरी समझना है आपको कौन सी बात, तीसरी समझना है ये वाली बात। ठीक है, तीन आपके पास पॉइंट होगा, एक हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। इन तीन पॉइंटों को आपको यहां पर समझना है। देखिए, जब प्रतिच्छेद रेखाएं होगी, जब प्रतिच्छेद रेखा करेगी तो आपका जो तुलनाओं का जो अनुपात होगा वो क्या बनेगा, a1 बटे a2 बराबर नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, बराबर नहीं है बोला जाता है। ठीक है, बराबर नहीं है b1 बटे b2। ठीक है, तो इसका क्या होता है, केवल एक अद्वितीय हल होगा। तो आपको याद रखना है कि एक अद्वितीय हल होता है, वो रेखा प्रतिच्छेद करती है और उसका जो अनुपात का समीकरण बनता है वो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बनता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आता है आपका रेखाएं संपाती रेखाएं। तो आपको पता होगा संपाती रेखा किसे कहते हैं, तो जैसे आप ग्राफ पर जब बनाओगे एक रेखा और उसी के ऊपर दूसरी रेखा भी यहां पर आ जाती है, उसे कहते हैं संपाती रेखाएं। मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, वो बोली जाती है संपाती रेखाएं। ठीक है, एग्जैक्ट, क्लियर। आते हैं आगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो जब क्या होगा, अनेक हल में क्या होगा कि तीनों बराबर हो जाएंगे, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। ठीक है, संपाती रेखाओं में क्या होता है कि ये बराबर हो जाते, क्योंकि जैसे आपने एक रेखा बनाई, ठीक, ठीक है, आपने एक रेखा को मिलाया, फिर आपने दूसरी रेखा को मिलाया, तो भाई जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 से, तो आपने दोबारा मिलाया तो c1 बटे c2 हो जाएगा। ऐसे तो समझ में आ ही जाता है। तो ये संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल देती हैं। ठीक है, अब आता है एक और, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब कि समांतर रेखाएं, तो मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है। तो इसका फॉर्मूला बन गया a1 बटे a2, इसका बन गया b1 बटे b2। अब बराबर नहीं है, समांतर का क्या नहीं है, c1 बटे c2 के बराबर नहीं हो सकता, तो बस ये समांतर रेखाएं हैं, उसमें क्या होगा, बराबर नहीं, C1 बटे C2 होता है। तो जहां पर यहां पर आपको ये रेखाओं से संबंधित पूरा जो दिमाग में गणित था वो सब आपका क्लियर हो गया होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी। आपको बस ये चार्ट अच्छे से याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब एक अद्वितीय हल होगा वो प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी तो उसका फॉर्मूला होगा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अब ये देखिए कि प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होंगी, कि प्रतिच्छेद कर दिया, जब प्रतिच्छेद कर दिया तो वो खुद बता रहा है कि भैया प्रतिच्छेद कर दिया है। ठीक है, दूसरा आता है संपाती रेखा। संपाती मतलब कि वो एक दूसरे पर बनती हैं, जब एक दूसरे पर बनेगी तो उनके हल कैसे होंगे, उनके जो हल होंगे वो अनेक होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, अब समांतर रेखाएं आती हैं तो कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है तो बस दो रेखाएं समांतर ही हो सकती हैं, इसके बाद कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये संख्या यहां पर जो आप जो निरूपण करेंगे, मतलब संख्याओं की तुलना करेंगे, वो कैसे करेंगे, a1 बटे a1x + b1 / c = 0, a2x अब ये पहले समीकरण के लिए होगी और ये दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है, प्रतिच्छेद के लिए देखिए क्या बनता है, प्रतिच्छेद के लिए बनता है आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, और संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, संपाती मतलब एक के ऊपर एक, तो मतलब सब बराबर होंगे। आपको याद रखना है एक के ऊपर एक तो सब कैसे होंगे, बराबर होंगे। समांतर वाली में क्या होगा कि आपकी दो रेखाएं, मतलब कि a और b जो आपकी रेखाएं वो आपकी समांतर होगी और c नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं एक आपका जो सवाल है, मतलब कि आपका जो एग्जांपल है उसको करते हैं यहां पर, और आप अपना दिमाग लगाना कि सही किया या गलत किया। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको इस टाइप का जो सवाल आएगा, इस टाइप से आपको एक सवाल पेपर में मिलेगा, आपको दो समीकरण मिलेंगे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। आपको क्या करना है, मैं आपको यहां बता दूं कि देखिए यहां पर आपके हो गए दो समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण है x + 3y = 6, दूसरा है 2x - 3y = 12। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, आपको एक यहां पर मान निकालना है, तो अपन किसका मान निकाल लेते हैं, यहां पर y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर ये 3y = 6, अब यहां पर जो x था ना उसको उस साइड फेंका, उस साइड अगर भेजेंगे ना अपन x बराबर के उधर तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अपन को किसका मान निकालना है, यहां पर x y का मान निकलेगा। ठीक है, तो y बराबर 6 माइनस x / 3 लिखा हो जाएगा। तो यहां पर ये किसका मान आ गया आपका, y का मान आ गया।
ठीक है, यहां पर किसका मान आ गया, वाई का मान, ठीक, इस टाइप से निकल जाएगा। दूसरा लिख भी दूसरा समीकरण है, इसका भी अपन क्या कर लेते हैं, एक्स या वाई या चर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन किसका मान निकाले, यहां पर वाई का निकाला था, चलो वाई का ही निकाल लेते हैं। तो वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर जो तीन वाई है, तीन वाई को क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा है दो एक्स या बराबर, या बारह को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो बारह को इधर ले आओ और बराबर में क्या ले जाओ, तीन वाई को उधर ले जाओ। तो देखो यहां पर प्लस का बारह था तो माइनस का हो गया। ठीक है, और ये किसका हो गया, यहां पर प्लस का हो गया। क्यों, यहां पर जितना अच्छा हो, ठीक है, सवाल को मैं बताऊं आपको, जितना आपको इजी सवाल बनाना है तो उसको जितना हो सके पॉजिटिव करने की कोशिश करें, इन सवालों को पॉजिटिव करने की कोशिश करें, चाहे आपकी प्रतिस्थापन की विधि हो चाहे विलोपन, जितना आप पॉजिटिव करके चलेंगे उतना आपका आंसर जल्दी आएगा और सही आएगा और आपको दिमाग भी ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये वाला सवाल आपका यहां पर बन गया। अब क्या होगा अगली स्टेप में, ठीक है, अगली स्टेप में होगा दो एक्स माइनस के बारह बटे तीन बराबर वाई। तो यहां पर वाई का मान मिल गया आपको, दो एक्स माइनस के बारह और बटे तीन, ये हो आपके समीकरण हो गए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस प्रकार का आप एक बॉक्स को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका आप क्या करा लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे ऐसा। ठीक है, ऐसा बॉक्स बना लेंगे आप। ठीक है, बना लेंगे ऐसा, एक बॉक्स क्या नहीं बना पाएंगे, ऐसा बॉक्स बना लेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स। ठीक है, और यहां पर भी एक्स लिख देंगे। ठीक, अब ये कैसा चलेगा, ये पहले समीकरण के अकॉर्डिंग चलेगा और ये सेकंड समीकरण के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करा अपन ने, एक्स का मान क्या ले लिया, पहले हमने पहला मान रख दिया जीरो। आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं मान, और आप इतना बड़ा भी नहीं रखना है कि पता चले कि आपने जो कहा, जिस पर आप एक ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उनके बाहर निकल जाए, इतना भी बड़ा नहीं लेना है, जितना हो सके छोटा ही लेना है। ठीक है, मतलब कि जीरो से लेकर छह सात तक ही लेना है आपको। ठीक है, उसके ज्यादा नहीं लेना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिया हमने, जीरो लिया। तो अब जीरो का क्या करेंगे, जो आपका जो समीकरण ये निकला है ना, ये वाला, इसमें अपन क्या रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे। तो रख के देखो, यहां पर अगर जीरो रख दें हम, ठीक है, अगर हम यहां जीरो रख दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बचेगा ये, ठीक है, जैसे हमने ये वाई बराबर छह माइनस जीरो रखा और बटे में क्या है यहां पर तीन, तो ये जीरो हो गया, तो कोई मतलब नहीं है, खत्म हो गया ये, तो तीन से कट जाएगा ना, तीन दूनी छह, तो वाई बराबर कितना आ गया आपका, वाई बराबर आपका आ गया दो, तो यहां लिख दिया अपन ने। ठीक है, वाई बराबर दो आ गया तो लिख दिया अपन ने। ठीक है, समझ गए, फिर क्या रख दिया, अब यहां से रख दिया, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसने एग्जांपल बताया है तो मुझे अभी उसी प्रकार से बताना पड़ रहा है। ठीक, अब यहां पर छह रखना है, किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर, तो वाई बराबर छह माइनस एक्स बटे तीन, तो y बराबर छह माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है, छह लिखना है बटे तीन। अब क्या होगा, छह में से छह क्या हो गया, चला गया, तो क्या बचा, वाई बराबर जीरो बटे तीन। ठीक है, तो जीरो बटे तीन बचा, तो ये क्या हो जाएगा, तीन जीरो जीरो, तो यहां पर जीरो हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ गया, जीरो आ गया। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है एक्स है, फिर उसमें हमने लिया क्या, जीरो रखा, जीरो रखा तो किसकी जगह रखेंगे हम, एक्स की जगह रखेंगे, तो एक्स की जगह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको भाग लगाएंगे, कितना हो गया भाग, तीचो को बारह, तो यहां पर कितना आ गया, माइनस के कितने आ गए, चार। माइनस के क्यों है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इस वजह से ये कौन से आए हैं, इस वजह से ये आपके माइनस में चार आए हैं। दूसरा ले लिया हमने क्या, तीन ले लिया। ठीक है, सपोज है तीन ले लिया, तो यहां पर कितना लिखा जाएगा, तीन लिखा जाएगा। देखिए समझिए क्या लिखा है, y बराबर आपका दो एक्स माइनस के बारह लिखे हुए हैं। ठीक है, और बटे में कितने लिखे हैं, तीन लिखे हैं। अब y बराबर हमने क्या रखा, y बराबर हमने रखा है तीन, तो दो इंटू तीन माइनस के बारह बटे तीन। ठीक है, तो यहां पर गुणा होगा तो कितना होगा, तीन दूनी छह, ऐसा हो जाएगा वाई बराबर छह माइनस के बारह बटे तीन। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटा दो, तो माइनस के कितने बचे, छह बचे हो बटे तीन, तो तीन दूनी छह, किसके, माइनस के, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे छह माइनस लगा हुआ है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के दो हो जाएगा। तो इस प्रकार माइनस के यहां पर दो आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर लिख लेना है। ठीक है, क्या बनाना है आपको, एक पेपर पर ग्राफ बिंदु आपको यहां पर बनाना है, और आपको कैसे लिख लेना है, जैसे कि ए में क्या लिखोगे आप, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया बी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया यहाँ पर पी, और इसको क्या हो गया क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, क्या करेंगे, उसके बाद अपन यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर एक समीकरण, यहाँ पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप, ये वाई की, ठीक है, एक किसकी हो गई, ये वाई की हो गई और ये एक्स की हो गई। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया आपका एक्स, और ये एक्स डैश, ये वाई, और ये हो गया वाई डैश, डैश मतलब माइनस वाले आएंगे, और जहां पर डैश नहीं है वहां पर प्लस वाले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन ली तो ये y हो गया, तो यहां पर माइनस है, यहां जीरो हो गया। मूल बिंदु होते हैं, मूल बिंदु किसको कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं या क्या होते हैं, तो मूल बिंदु होते हैं आपके जीरो कॉमा जीरो, यहां पे जो जीरो है ना बना हुआ है उसी को कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है,
तो मूल बिंदु से इस साइड आएंगे, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर अपने हिसाब से ले लिया, यहां पर क्या हो गया माइनस वन ही लिया, ठीक। और यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव तक ले लिया उसने, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, ए हमारा क्या था, हमारा जो वाला समीकरण था एक्स प्लस तीन वाई बराबर छह, इसके कितने मान निकले थे, इसके दो निकले थे बिंदु, एक निकला था ए जीरो कॉमा एक, तो जीरो कॉमा एक निकला, तो जीरो कहां पर है, इस लाइन पर है, ठीक है, किस लाइन पर है, इस लाइन पर है, और टू कहां रहा है, ये वन और यहां पर टू, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। और एक और बात नहीं बताई मैंने आपको कि यहां पर यह कॉलम में ऐसा लिखा है 0.2 लिखा है, तो यहां पर जो ये लिखा हुआ है, जैसे कि यहां पर ये जीरो लिखा, तो ये एक्स का मान होता है और ये किसका मान होता है, आपका वाई का मान होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर जीरो लिखा है, तो जीरो तो किसका हो गया, एक्स का, और यहां पर वाई किसका हो गया, यहां पर ये दो किसका हो गया, वाई का, इसलिए इस वजह से इसको यहां पर ड्रॉ किया है, बनाया है, ठीक है। अब आता है दूसरा बी, जीरो कॉमा छह, तो जीरो किसका है, मतलब छह किसका है, आपका एक्स का, तो इसलिए यहां पर आया, ठीक है, इसलिए यहां पर यह जीरो आ गया, क्योंकि जीरो हमेशा उसी लाइन पर रहता है। अब आते हैं दूसरे समीकरण की ओर, दूसरे समीकरण में दो मान है अपने, दो मूल बिंदु है, एक है आपका जीरो कॉमा माइनस के चार, तो जीरो कहां होता है, उस लाइन पर ही होता है, तो ये हो गया आपका क्या x हो गया, और ये क्या हो गया माइनस के चार है, तो माइनस के चार कहां रहेंगे, y पर, तो इस वजह से यहां बनाया, ठीक। और दूसरा कहां है आपका, एक और समीकरण यहां रहा कि q तीन माइनस दो एक्स, तो क्यू कौन है आपके, मतलब तीन कौन है आपका, एक्स है, कौन है, एक्स है, ठीक है, एक्स हो गया और माइनस के दो हो गए, ठीक है, क्या हो गया, माइनस के दो हो गए, ठीक। तो माइनस के दो कहां पर है आपके, माइनस के दो है आपके यहां पर, इस वजह से इसको यहां पर बनाया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करा, यहां पर मिला दिया, क्योंकि यहां पर मेन बिंदु है, तो यहां से इसको ये मिलाया और इसको यहां से मिलाया, तो ये क्या हो गई, ये प्रतिच्छेद कर गई आपकी, कौन सी कर गई, ये किस टाइप की हो गई आपकी, एक रेखा, मतलब ये समीकरण कैसा हो गया, आप कैसा बन गया, प्रतिच्छेद कर गया, तो प्रतिच्छेद कर गया, प्रतिच्छेद का फॉर्मूला कौन सा होता है, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू, ठीक। तो आपको ये इस वाले जो सवाल है इसमें सॉल्व करने की कोशिश करना, प्रयास करना, और अगर नहीं हो तो फिर मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं अपन कौन सी वीडियो में, अगली वीडियो में, जिसमें अपन चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे 3.1 पर, और जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके 2024 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं या जो आ सकते हैं, उन्हीं को मैं यहां पर करवा रहा हूं। बाकी आपको मैं इंट्रोडक्शन तो ऐसा देता हूं, चैप्टर है, अध्याय है, पूरा क्लियर हो जाए, आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और 3.1 के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बढ़िया पढ़िए, अच्छे नंबर लेके आना है, ये आपके मन में दिमाग में एक गांठ बांधकर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।